हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों मैं सागर आज आपके सामने फ्रेंड्स इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। फ्रेंड्स ये मॉक टेस्ट है और ये पार्ट 13 है। इसके पहले मैंने 12 और वीडियोस बनाया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी धंधे का उसे बहुत ज्यादा, कोई आदमी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? उसे एक वर्ड में हम लोग वेटरन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटरन। अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड वेटरन। ओके, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब, टॉम्ब में अगर कोई वर्ड्स लिखा हो, मतलब गोदा किया हो या किस तरह के लिखा हो टॉम्ब में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एपिथैप, कहते हैं एपिथैप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, जिसे हम कहते हैं अप्रचलित, ठीक है, इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे? ऑब्सोलीट कहेंगे। समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ओके, अब चलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस की तरफ। तो बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, मींस कभी कभार हुआ एक तरह से, इसे कह सकते हैं इरेगुलरली, इरेगुलरली। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एट सी। एट सी मींस क्या होता है? कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड होता है, उलझा हुआ। अब चलते हैं साइनोनिम का बात करते हैं। अबैस, अबैस मींस क्या होता है फ्रेंड्स? अबैस मींस होता है लज्जित करना, लज्जित करना का क्या हो जाएगा? एंबैरेस, एंबैरेस। साइनोनिम मींस होता है सेम मीनिंग, ठीक है, तो एंबैरेस हो गया आपका, लज्जित करना, अबैस। अगला क्वेश्चन है एंटो है, एंटो मींस होता है अपोजिट मीनिंग। सातवां नंबर क्वेश्चन है एब ओरिजिनल, एब ओरिजिनल मींस क्या होता है? मूल निवासी जिसे कहते हैं, इसका एंटोनी क्या हो जाएगा? एलियन, जिसे कह सकते हैं विदेशी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का आपको स्पेलिंग बताना है, कौन सा सही होगा? तो फ्रेंड ए डबल सी ई एल ई आर ए टी आई ओ एन, डी आपका सही हो जाएगा। चेक का स्पेलिंग बताना फ्रेंड, सी एच ई क्यू यू ई होता है, ये सही उत्तर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। द बॉय सेड हू डेयर कॉल यू अ थीफ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपको इसमें चेंज करना है। द बॉय सेड हू डेयर कॉल यू अ थीफ, किसने तुम्हें थीफ कहा? तो क्या किया? इंक्वायरी एक तरह से किया। द बॉय इंक्वायर्ड Who dared call him a thief? A is the right answer. तो फ्रेंड्स ये था आपका इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर का इंग्लिश का मॉक टेस्ट था फ्रेंड्स, पार्ट 13 था, जो कि मैंने आज आपसे डिस्कस किया। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंडियन टेरिटोरियल आर्मी ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोज आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।